से प्रीता, काव्या और करण। सीरियल कुंडली भाग में आया हॉलीवुड वाला ट्विस्ट। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग में करण अपनी बेटिया रानी काव्या संग पहुंचे तो हैं बैंक, वहां के लॉकर से ज्वेलरीज निकालने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी काव्या की होने वाली है शादी। ऐसे में उन्हें क्या पता कि इस बैंक में बवाल मचने वाला है, या यूं कह लो रॉबर्स की एंट्री होने वाली है। जरा देखिए कैसे रॉबर्स अपना चेहरा ढककर, किसी ने लिया है मनी हाइस्ट का लुक तो कोई बन गया है जोकर, और तो और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के अंदाज में रंगकर सभी रॉबर्स पहुंच गए हैं उस बैंक को लूटने के लिए। मैनेजर्स के साथ बैठे करण को भी बंदूक के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते सभी वहां परेशान हो जाते हैं। ऐसे में मैनेजर सीसीटीवी में दिखाता है कि बैंक में रॉबर्स घुस आए हैं। बस फिर क्या, ये देखकर करण परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बेटी लॉकर जो गई है और रॉबर्स लॉकर रूम में ही जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, अब बैंक में गुंडे घुस आए, बैंक खतरे में है। काव्या फंस गई है, ये तो मेरे ख्याल से हम सीसीटीवी पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गुंडे वुंडे आए हैं जो बैंक रॉबर्स वगैरह हैं, और वो लूटते हैं, और वहीं पर आई थिंक दे टेक हर एज अ हॉस्टेज। तो ये वहीं से फिर कहानी शुरू होती है, हॉस्टेज लेते हैं उसको, और उसके बाद में हाउ, ये मुझे आगे पता नहीं कि सिर्फ करण होता है या करण और प्रीता दोनों होते हैं जो मिलकर सेव करते हैं, या सिर्फ अकेले यही करता है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, अभी स्क्रीन प्ले वगैरह इतना आया नहीं है। यहाँ करण अपनी बेटी काव्या के पास जैसे तैसे कर पहुँचना चाहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि काव्या को मिल गया है उसकी मम्मी प्रीता का साथ भी, क्योंकि उसी बैंक में प्रीता भी आई हुई थी अपने बेटे का चेक जमा करने के लिए। और अब प्रीता और काव्या दोनों मिलकर रॉबर से छिपने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वहां से भाग निकलना भी चाहते हैं। काव्या और प्रीता अब फंस गए हैं बैंक में, और यहाँ पर आ गए हैं चोर, और उन्हें पैसे लूटने हैं। लेकिन काव्या यहाँ पर आई थी अपनी मम्मा का नेकलेस लेने के लिए, अपनी शादी में पहनने के लिए, और वो चाहती थी कि उसकी मम्मा भी शादी में आए, लेकिन वो अब उसे नहीं बताएंगी कि नहीं, तो इसने सोचा कि चलो उनका नेकलेस होगा तो एक तरह से एक आशीर्वाद बना रहेगा प्रीता माँ का उस पर। इसके लिए वो यहाँ पर बैंक में आई थी, और बैंक में एंटर करते हुए उसे फील भी हुआ था कि मतलब अपनी मम्मा की प्रेजेंस फील हुई थी आसपास। लेकिन फिर जब वो अंदर गई लॉकर रूम में, वहाँ उसको अपनी प्रीता माँ मिल गई। फिर उनका एक मोमेंट होता है, लेकिन क्योंकि उनकी याददाश्त नहीं वापस आई अब तक प्रीता माँ की, तो डायरेक्टली नहीं कन्फ्रंट कर पाती कि मैं आपकी बेटी हूँ एंड ऑल, तो ये सब होता है। और इसी वक्त फिर रॉबर्स आ जाते हैं, बैंक लूटते हैं, फिर काव्या और प्रीता भागते हैं। प्रीता को एक मदरली इंस्टिंक्ट तो आता ही है काव्या के लिए, तो वो उसे बचाती है और छुपाती है ताकि कोई हार्म ना हो सके, वो चोर कुछ हार्म ना कर दे उन दोनों को, बस यही सब हो रहा है। अब तो हिट एंड मिस वाला तो होगा नहीं, अब तो ये है कि बस सामने सामने ही आएंगे तो कन्फ्रंटेशन ही होगी कि हाँ भाई कहाँ पे गायब हो गए, वैसे वाला चक्कर है। तो यहाँ पर तो अगर ये मिलते भी हैं तो अब जैसे बोलता है कि जैसे डायलॉग भी था इसके अंदर कि वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ आए, तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें प्यार दे, तो मतलब ये है कि मतलब उसका इस दुनिया में होना कन्फर्म्ड है, अब सबको कन्फर्म्ड है, तो वो अब वो हवाएं उड़ना और गाने चलना वाला वैसा नहीं है। खैर उस रॉबर के हाथों काव्या और प्रीता तो नहीं लगे, लेकिन उस रॉबर ने बैंक अधिकारी को गोली मार दी है, और उसे घायल देखकर प्रीता और काव्या दोनों ही परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कैसे ये लोग मिलकर इस बैंक से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और रॉबर से लड़ेंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसी रही हमारी ये है ग्रूमिंग टिप्स, आप इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आपको मालूम है ना कि एंटरटेनमेंट की 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।